हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय गार्डनिंग चैनल। और देखिए कितने सुंदर से फ्लावर हैं, ये गुच्छों में खिलते हैं इस तरह से। जिस तरह से पेंटास में फ्लावरिंग होती है या बर्बीना में गुच्छों में फ्लावरिंग होती है, उसी तरह से इसमें भी फ्लावर आते हैं। और स्काई ब्लू कलर का फ्लावर काफ़ी सुंदर दिखता है, सभी पौधों से फ्लावर से अलग होता है। इस तरह के इस कलर के फ्लावर हमारे गार्डन में कम ही दिखाई देते हैं, इस वजह से ये काफ़ी अलग दिखता है। और इस पौधे का नाम है चित्रक, जिसको प्लुमिंगो भी बोलते हैं। तो आज मैं इसी पौधे के बारे में थोड़ी सी बातें आपके साथ शेयर करने जा रही हूं कि इस पौधे को किस तरह से रखना है और क्या देखरेख करनी है कि ये पौधा हमारे साथ सालों भर बना रहे। इस प्लांट को ऐड के लगभग साल भर हो गया है मुझे अपने गार्डन में। पिछले साल इसी मंथ में, सितंबर या अक्टूबर के मंथ में, मैं इसको नर्सरी से ले आई थी और तब मुझे ये कहीं दिखता भी नहीं था। मैं इसको पहले से ही ढूंढ रही थी कि जब भी मुझे ये दिखेगा मैं प्लांट ले लूँगी। नर्सरी में मुझे दिखा तो मैंने ये प्लांट ले लिया और काफ़ी महंगा प्लांट मुझे दिया था उन्होंने, 120 रुपए का दिया था शायद, और 100 से 150 रुपये तक में मिलता है हमारे वहाँ ये। और अबोली का पौधा दिखता नहीं है, ज़्यादातर नर्सरी में कम ही दिखाई देता है। और जगहों पे शायद ये 40-50 रुपए तक मिल जाता है, लेकिन हमारे वहाँ 100 के ऊपर ही मिलता है, 100 रुपये के लगभग इसका रेट रहता है। साल भर मैंने अपने गार्डन में इसकी किस तरह से देखभाल की है या कैसे रखा है मैंने, वही चीज़ें आपसे शेयर करूंगी, क्या अनुभव रहा है इस प्लांट के साथ मेरा। तो सबसे पहले इसकी हम मिट्टी की बात करते हैं। तो मिट्टी, जैसे हम और पौधों की मिट्टी तैयार करते हैं उसी तरह से मिट्टी तैयार करनी होती है। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि अलग से हमें मिलाना पड़ता है। जो हमारे गार्डन की मिट्टी है, अगर हमारे गार्डन की मिट्टी रेतीली है तो उसमें सिर्फ हम कंपोस्ट मिला लें और उसी में ये पौधा हमारा चलता रहता है। और अगर मिट्टी हमारी चिकनी है तो उसमें या तो हम राइस हस्क यूज़ कर लें या रेत यूज़ कर लें, जिससे मिट्टी हमारी बिल्कुल हल्की हो जाए और जड़ें उसमें अच्छे से ग्रो करें। जब मिट्टी हल्की रहती है, भुरभुरी रहती है, तो जड़ों की ग्रोथ उसमें काफ़ी अच्छी होती है, जड़ें बधी नहीं रहती हैं। और जब जड़ें अच्छे से ग्रो करेंगी तो प्लांट भी हमारा बहुत अच्छे से चलता है और उस पर फ्लावर वगैरह भी बहुत अच्छे आते हैं, पौधा हमारा स्वस्थ दिखता है। फर्टिलाइज़र हमें और पौधों की तरह साल में दो बार देना है। जिस तरह से हम अपने परमानेंट प्लांट को फर्टिलाइज़र देते हैं साल में दो बार, फरवरी के मंथ में और इधर सितंबर या अक्टूबर के मंथ में, उसी समय इसमें देना है। फर्टिलाइज़र देते समय जब भी हम इसमें वर्मी कंपोस्ट दें या गोबर की खाद दें तो उसमें फंगिसाइड और नीम की खली ज़रूर मिलाएं। इससे पौधों में किसी तरह का फंगस नहीं लगता है और पौधों की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है। जब भी लिक्विड फॉर्म में हम और पौधों में फर्टिलाइज़र देते हैं तो इसमें भी एप्सम सॉल्ट या सीविट वगैरह डाल देते हैं बीच बीच में कभी कभार, तो भी ये पौधा अच्छे से चलता रहता है। इस पौधे में गर्मियों में फ्लावरिंग होती है, सर्दियां जब आती हैं तो उस समय थोड़ा सा ये पौधा डल सा दिखाई देता है, पत्तियां वगैरह गिरा देता है, ब्रांचेज इसकी सूख जाती हैं, तो सर्दियों में ये फ्लावर कम कर देता है और गर्मी बरसात में इसमें फ्लावर आते रहते हैं। अभी देखिए बारिश का मौसम आया है तो किस तरह से इसने पूरी ग्रोथ ले ली है। और बीच में तो ऐसा हो रखा था सर्दियों में कि लग रहा था पौधा मेरा ख़राब हो गया है, अब ये पौधा बचेगा नहीं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे फिर इसमें जो है बारिश के बाद ग्रोथ स्टार्ट हुआ है। गर्मियों में भी ग्रोथ हो रही थी लेकिन इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही थी, क्योंकि पूरे दिन ये खुली हुई छत पे रखा रहता था, क्योंकि मेरे टेरेस गार्डन में कहीं भी मैंने ग्रीन नेट नहीं लगवाया है, ओपन ही टेरेस है, उसी पे मैं गार्डनिंग करती हूँ। तो इसकी कंडीशन थोड़ी सी गर्मियों में भी ख़राब हो गई थी, लेकिन बारिश का पानी मिलते ही फिर ये अपने आप देखिए नई नई इसमें ब्रांचेज आई हैं और सब पे कलियाँ बनी हुई हैं और सब में ग्रोथ अच्छी हो रही है। अब तो फ्लावर बेस में स्टार्ट हो गए हैं। इसमें से फ्लावर एक बार ख़त्म हो जाते हैं तो उसको हमें हटा देना होता है। जितने भी सूखे हुए फ्लावर होते हैं, अगर उनकी हम डेड हेडिंग करते रहते हैं, हटाते रहते हैं, तो बहुत अच्छे से इसमें नई नई ब्रांचेज निकलती रहती हैं और उतनी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। तो जब भी सूखे हुए फूल दिखाई दें तो उनको हटा देना चाहिए, इस पर बीज नहीं बनने देना चाहिए। बीज बनता है तो फिर फ्लावर हमारे प्लांट पर कम हो जाते हैं। अगर इसके प्रोपागेशन की बात करें तो मैंने अभी तक इस पौधे को लगाया नहीं है, क्योंकि जब मैं लेके आई थी तो कुछ दिन तो इसमें फ्लावर बहुत अच्छे से हो रहे थे, तो फ्लावर काफ़ी अच्छे लग रहे थे, इस वजह से मैंने कटिंग वटिंग नहीं लगाई थी इसकी। गर्मियों में भी इसकी हालत थोड़ी सी मेरे वहाँ ख़राब थी, अभी इसकी ग्रोथ अच्छी हुई है तो अब मैं इसकी कटिंग लगाने की कोशिश करती हूँ और उसकी अपडेट आपको ज़रूर दूँगी कि कटिंग मेरी लगी है या नहीं लगी है। फिर मैं दिखाऊँगी आपको
कि इसकी कटिंग चल पाती है या नहीं चल पाती है। ये पौधा किसी बहुत बड़े प्लांट की तरह नहीं होता, ऐसे ही झाड़ी नुमा पौधा होता है, ये बुसी सा प्लांट होता है, घना घना, तो बहुत ज़्यादा इसको बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती है। 10 से 12 इंच के पॉट में अगर हम लगा दें तो ये पौधा आराम से चलता रहता है। इसकी जड़ें भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं, हल्की छोटी ही जड़ें होती हैं, तो बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे जैसे हमारा पौधा बड़ा होता जाता है, तो अगर आपको लगता है कि हाँ पौधा इसमें अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है, तो उसको आप थोड़े से और बड़े गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। बाकी इसको बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। टाइम से हम इसमें प्रूनिंग करते रहते हैं तो फिर इसमें नई नई ब्रांचेस आती रहती हैं। ये पौधा ज़्यादातर 3 कलर के फ्लावर देता है, एक ये स्काई ब्लू कलर और पिंक कलर और एक वाइट कलर, लेकिन नर्सरी में मुझे अभी वो कलर दिखे नहीं है। अगर वो कलर मिल जाते हैं तो उनको भी मैं ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करूँगी, क्योंकि इसके फ्लावर इतने अच्छे लगते हैं, जब पूरी तरीके से ये खिल जाता है तो पूरा प्लांट ही फूलों से भर जाता है। तो इस तरह के पौधे लगाने से गार्डन थोड़ा सा अलग दिखने लगता है, अट्रैक्टिव दिखने लगता है। तो ऐसे पौधे हमको अपने गार्डन में ज़रूर लगाने चाहिए, जो कम देखभाल में आसानी से चलते हैं और हमको ज़्यादा से ज़्यादा फूल भी देते हैं। किसी तरह का अगर हम कीड़ों का अटैक बोले तो मेरे पौधे पे अभी तक नहीं लगा है, साल भर हो गया है, किसी तरह के मिलीबग्स वगैरह नहीं लगे हैं इस पे। और कैटरपिलर का कभी कभार इस पे अटैक हो जाता है, जो पत्तियों को खा के ख़त्म कर देते हैं, तो उस समय आपको नीम ऑयल का हल्का स्प्रे कर देना है तो कैटरपिलर भी नहीं आएंगे। और जब भी हम नीम ऑयल का स्प्रे करें तो सुबह के टाइम में करें या शाम के टाइम में करें, दोपहर में ना करें, क्योंकि अगर हम दोपहर में नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं तो पत्तियां हमारे पौधों की जल जाती हैं। तो इस बात का ध्यान हमें देना होता है कि जब भी हम नीम ऑयल का स्प्रे करें तो शाम के टाइम में करें। तो ये थी चित्रक के प्लांट की छोटी सी जानकारी, बहुत ज़्यादा कोई ये स्पेशल केयर नहीं मांगता है। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो, ये फ्लावर अच्छे लगे हों, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नए प्लांट और नए टॉपिक के साथ।